अरे चकोरिया हम बतावते। अरे चुप काय हो गई चाची, बोल ना का बोल रही थी, बोल ना चाची। की कपड़ा पहना है सबाई देख, देख तो, और दुल्हन कितनी सुंदर लगत है, देख तो। ए चकुरिया, वो देख, दूल्हे राजा कैसे मुस्कुरा रहे हैं, वो तो दुल्हन से भी ज्यादा शर्मा रहे हैं। खुश, देख लिया? अब बता, कहाँ जाना पड़ी हम का एक दिन? तो का बताते चकुरिया, ये जो दुल्हनिया है ना, अपना मायका छोड़ ससुराल जा रही है। हर एक लड़की के संग ऐसा नहीं हुआ थे, हमरे संग हुआ, तोहरी माई के संग हुआ, और जब तोरा समय आई तब तोरे संग भी हुई है। और का, एक दिन हमरी चकुरिया भी दुल्हनिया बनी और एक सुंदर सा दूल्हा आई और हमरी चकुरिया को ले जाए, है ना? नहीं माई, हम तो का छोड़कर कभू नहीं जाए, कभू नहीं। अरे चंद्रमा का ताकना बंद कर और घर चल, भुवन परेशान हुई रहा होगा अपने बिटिया के लिए, चल। और तुम सबन एक बात कान खोल के सुन लो, हमारी चकोरिया 7 बरस की नहीं है, 6 बरस की है, आई बात समझ में? 6 बरस की है चकोरिया। अरे तू भैया जी से चकोरिया को बचाने के लिए बोलत है तो उका स्कूल का ही भेजत रही, तो का मालूम है भैया जी आए रहे वहाँ और थोड़ी चकोरिया आम बेचत रही ओके सामने। भैया जी की नजर नहीं पड़ी होगी का? थोड़ी छोरी भैया जी के पास गिरवी है, देख लिया तो उठा ले जाई, फिर का 6 बरस और का 7 बरस, तो का अपनी बिटिया को बचाना है तो उस राक्षस की बुरी नजर से बचा। हमारी नजर से आज तक कोई चीज छिपी नहीं है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। आपके हीरो में ये बुराई है सैगल साहब कि इसमें कोई बुराई नहीं है। बताइए इसकी कीमत क्या है? इसकी कोई कीमत नहीं, ये डायमंड हम आपके लिए खास साउथ अफ्रीका से लेकर आए। क्या बोल रहे हैं सैगल साहब, इतना कीमती तोहफा? देखिए आपकी फैक्ट्रीज और दूसरे कारोबार में 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने आए, जाहिर सी बात है शुरुआत भी बड़ी होनी चाहिए। मिलिए मेरे दोस्त और बिजनेस पार्टनर मिस्टर प्रेम खन्ना से, इनका भी बाहर बहुत बड़ा बिजनेस है। नमस्ते, थैंक यू वंस अगेन, आप लोगों ने दिल खुश कर दिया। सच भाई, रिफ्रेशमेंट? गिरजा ले आओ। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है सर। यस यस। आपकी सिल्क की फैक्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपका सिल्क का बिजनेस मजदूरों के प्रति ईमानदारी के बुनियाद पर खड़ा है या नहीं। हम जानते हैं सैगल साहब, आप एनआरआईज जो है हमेशा मजदूरों के हित के बारे में सोचते हैं। सेम यार है, हम भी हमेशा मजदूरों के हित के बारे में सोचते हैं। प्रॉब्ली दैट इज द रीजन
हमारा बिजनेस इतना एक्सपांड हुआ है, बड़ा है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप लोग आज यहाँ नहीं बैठे होते। क्या हुआ सैजल साहब? ये तो चिकन पकौड़ा है। हाँ हाँ, तो आज तो मंगलवार है। देखिए, हम लोग विदेश में रहने के बावजूद भी अपने संस्कार नहीं भूले। सॉरी, क्षमा चाहते हैं। सॉरी। ये जब जितने भी नॉनवेज पकवान है उठा लो यहाँ से, और वेजिटेरियन पकवान ले आओ जल्दी। और सुनो, अपनी जगह किसी और को नियुक्त कर लेना। तुम्हारा इस हवेली में समय समाप्त हो चुका है, निकलो। सैजल साहब, नौकरों से जो गलती हुई है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अरे एमपी साहब, आप तो ऐसे माफी मांग रहे हैं जैसे सेवा का कोई दूसरा मौका मिलेगा ही। हमारी अर्धांगिनी तेजस्विनी। अरे प्लीज बैठिए, आप लोग बैठिए, बैठिए ना प्लीज प्लीज। भाई, हमें आप लोगों से बहुत शिकायत है। आप सब खुद तो आ जाते हैं मगर अपनी पत्नियों को साथ नहीं लाते, जबकि हमने ये सुना है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। सबसे बड़े सबूत हम हैं। खन्ना साहब, सबसे बड़े सबूत हम हैं। आप लोग ऐसा करिए ना, कल हमारे यहाँ डिनर पर आइए, और हाँ, अपनी पत्नियों को भी ले आए, ताकि हम ये देख तो सकें कि इतने कामयाब मर्दों के पीछे आखिर कौन है। देखिए, हम रात को तो नहीं आ सकते। कोई नहीं, कल लंच पर आ जाइए, है ना? और हाँ, थोड़ा जल्दी आइएगा ताकि हम लोग गपशप कर सके। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। पकड़ो 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 पकड़ो, घर चल। अरे का करे थे, थक चाहिए चकोर। हम नहीं थकी, हम एक थका रहे हैं। जब ही थक बैठ जाइए तो हम ही का पकड़ ले। तो रहा है का? हमला नहीं है पर। अरे काका, सुनो काका। जाइते। दादी, ओ मुर्गी को रोको। अरे जाइते चकोर। अरे हवेली की चीज रही होगी, वहीं जाता होगा। पर वो मुर्गी का काट कर लिए। अरे कुछ भी कर रही थे, तू चुप, तू घर चल। काका। चल घर। अरे काका, काका रोको। चल। बापू, हम वो मुर्गा पकड़ लिए थे। बीच में वो हवेली वाला आ गया, चादर ढक के पकड़ लिए मुर्गे को। फिर क्या हुआ दीदी? हम बहुत चिल्लाए पर दादी हमें जरा भी मदद नहीं की। कही जा दो, हवेली की चीजें हवेली जात है। और चकोरिया, तू मुर्गे का क्या करती? क्या करती? उनका दरवाजे पे बिठाई देती, दर दिन दादी को सवेरे उठाई देता। गुगड़ू गुगड़ू गुगड़ू। चकोर, माई माई है बापू। चकोर, चकोर, माई, 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 आज के बाद तू स्कूल के बाहर तो का कहीं पे भी आम नहीं बेचेगी, समझ में आई बात? पर कहीं नहीं, क्योंकि हम बोल रहे हैं इसीलिए। पर माई, चुप, कोई बात नहीं, हम जो बोला था वो सुन लो। कस्तूरी, काहे इतना चिल्ला रही हो? क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, बस जो हम बोल रहे हैं वो हम बोल रहे हैं, और आज के बाद तू स्कूल के बाहर तो का बस्ती के बाहर पैर नहीं धरेगी, और हवेली वाली पक्की सड़क पर कबहू नहीं जाएगी। आई बात समझ में? आई बात समझ में? क्या हुआ, क्या देख रही हो? सॉरी बिंदी। क्या हुआ अमरी बिंदी को? टेढ़ी हो गया। Oh
मेनू तो बिल्कुल ठीक है, एक मीठा और बढ़ा दो, गाजर का हलवा तो होना ही चाहिए। जी मैम। और हाँ, ध्यान रहे, इस बार पिछली बार की तरह कोई भूल नहीं होनी चाहिए, वरना। जी भाभी जी, इस बार कोनो भूल ना हुई। गुस्सा है ना बहुरिया, दूध के उबाले जैसा, प्यार का छींटा पड़ी और गुस्सा ठंडा। माई, चकोरिया को काबू में रखना बहुत ही जरूरी, ये बाहर जावत है तो हमरा कलेजा में धक धक हुई, कल रात को का बहुत ही ज्यादा डांट दिए ना, का करे माई, बच्चे उठ जाए तो उका दो रोटी खिला दियो, ठीक है, हम आते। हम काबू नहीं रहे दादी, मैं हम का घर पे चुप्पी देके गई ना। वही तो हम कहते हैं, तू चकोर नहीं चतुर है। दादी, इदाग बाप का आशीर्वाद देना, तन दी लोगे। ठीक से निशान हम का ऐसा नहीं लगा थे ना, तो ये आशीर्वाद से ढक जाइए। क्या कर रहे हो? ये जलेबी को अच्छी तरह से बनाओ, कुरकुरी ना भई ना तो जानते हो क्या होगा? ये देखो, ये बेलो, टमाटर का फूल बनाई के इका ऊपर रखो, ये पालक कब बनेगा? छोड़ो इसको, हमने कहा ना इसको छोड़ो, अरे प्लीज छोड़ो, अरे नहीं नहीं हमें मुर्गा चाहिए, अरे प्लीज हमें मुर्गा चाहिए, अरे केशव छोड़ो, अरे दीवान बबुआ, अरे बबुआ जी हमको लेकर जाना है इसको, बबुआ हमारे बात तो समझो, मेहमान आने वाले। क्या बात है, कहा हुआ दीवान बाबा? देखो गिरजा काकी, कितना सुंदर मुर्गा है, और ये केशु काका इसे पकाने को कह रहे हैं। अरे विमान बाबा, पार्टी का तैयारियां हो रही है, मगर हमें ये मुर्गा चाहिए, आज सूरज भैया आ रहे हैं, हम दोनों इसके साथ खेलेंगे। जरूर लेकर जाइए, खूब खेलिएगा, परी का टांग में रस्सी बांध कर खेलिएगा, वरना ये उड़ जाएगा। थैंक यू गिरजा काकी, छोड़ो। अरे बउआ थोड़ा आराम से ले जाओ, तो यहाँ खड़ा खड़ा का मुता कर रहा, जाकर और मुर्गा लेकर और पीछे रसोई में पहुंचाई दे। जब से भैया जी ने दूसरी गिरजा तैयार करने की बात की है, तुम तो गरम तेल की तरह खौलने लगी। दूसरी गिरजा अभी जन्मी नहीं है, समझा? जा अपना काम कर। अरे दाल खा, अरे बहुरिया तनिक आराम कह ले, जब से चकुड़िया पैदा हुई है तब से एक पल चैन का सांस नहीं मिला तो का। अरे तू तो चकुरिया के लिए 7 साल की आजादी मांग ले, पर हुआ का, वो तो आजाद हुई गई और तू बंदी बनकर रह गई। तू हमरी चकुरिया को पिंजरा मां नहीं रख सकत, अरे वो तो आकाश की पंछी की तरह जिधर चाहे उधर ही उड़ान भर ले। वो तो नहीं खबर है, रास्ता देख लेता तो कहाँ हो जाता उनका।
तो मीठी होती है। अरे वो देखो पूरा दीदी आइसक्रीम वाला। हवेली वाली पक्की सड़क पर ना जाए, समझी? नहीं रुक, नहीं अगली, हम नहीं जा सकते। निकल जाइए, चलना। नहीं इमली, मैंने पक्की सड़क पे पैर रखने को मना किया है ना। अरे माई को कैसे पता चले, चलना। अरे हम बतावा था, हमने कभी माई से झूठ बोला है का? हम माई को सब सच्चा बतावा था। चल घर को लौट जाए। अरे दया रे, इतनी बड़ी गाड़ी, गाड़ी तो हमारे घर से भी बड़ी है। एक गाड़ी वाले लोगों का घर कितना बड़ा हुई है दीदी। अरे तू अभी छोटी है ना, इसलिए हम छोटे घर में रहे थे। जब तू बड़ी हो जाएगी तो हमारा घर भी बड़ा हो जाएगा। सच्ची? अरे तू तो नहीं बड़ी तो हो जा, फिर देख तेरी दीदी का गलत है। हमारे बात पे भरोसा नहीं है का? देख हमारे यहाँ पे तो डाक बाबा का आशीर्वाद है। तोरे हाथ पर तो आशीर्वाद दिखा नहीं। ये देख, ये डाक बाबा का आशीर्वाद है। इका हमेशा अपने संग रखियो। ढूंढ इमली। ठीक है दीदी। देखो दीदी, पूरा तेरा आशीर्वाद। पंछी ज्यादा थे, उका कितनी उड़ान भर ली, पर हमारी चकोर वो भी बहुत ही छोटी है। उका नहीं पता कि उका उड़ान कितनी भरनी है। ये बात हम उका समझाएं, और हमका पूरा भरोसा है वो हमारी बात मानेगी ना, तो भैया जी से बच के रहेगी। कुछ भी कर बहुरिया, पर सारा खेल भाग का होई। अगर उका भाग में हवेली जाई के लिखा है तो जाई है, अरे कौनो कुछ ना कर सके। था ना, लेकिन तू भी अपना मनवा गांठ बांध ले। गीता का सदा तुम्हें कलैया फिरे। ये डाक बाबा का आशीर्वाद है, इसका हमेशा अपने संग रखियो। चकोरिया का भाग हमरे तोहरे बस का नहीं है, अब तो सब कुछ डाक बाबा का हाथ में है। हवेली वाली पक्की सड़क पर ना जाओ, समझी? हम बस उका हवेली से दूर रखेंगे।
बाबा का आशीर्वाद है। इका हमेशा अपने संग रखियो। हमारे स्कूल में सारे बच्चों के माँ बाप आए, आप और पापा क्यों नहीं है? हम तो बस आने ही वाले थे, बस हुआ ही हो कि बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। और बच्चों के माँ बाप उनके पास होने की खुशी में आए होंगे, हम आकर क्या करते हैं? आपको फेल होने की बधाई देते? अरे आप भी ना, आपने इसके आते ही फेल होने वाली बात शुरू कर दी। अरे इस बार फेल हुआ है तो क्या हुआ, अगली बार फर्स्ट आएगा। ये फर्स्ट आएंगे? एमपी साहिबा, इस प्रांत में, इस प्रदेश में, पूरे देश में, यहां तक कि प्रदेश में भी हमारा नाम हो रहा है। ये आपका इकलौता बेटा उसी नाम को मट्टी पलित करने में लगा होगा। अरे जाने भी दीजिए, बात को इतना मत बढ़ाइए। चल बेटा पापा के पैर छू। कोई नहीं, दिल छोटा नहीं करते। तुझे तो पता है ना कि तुम्हारे पापा का गुस्सा जैसे आता है वैसे चला भी जाता है। सूरज भैया आप आ गए। सूरज भैया आपके 2 महीने की छुट्टी का प्रोग्राम हमने पेपर पे लिख लिया है और पापा को भी मना लिया है। वो हम सबको 1 वीक के लिए नैनीताल भेजेंगे, खूब घूमेंगे। हमने तो ना नए कपड़े भी बनवा लिए अपने लिए। हमें आप लड़कियों के साथ नहीं जाना है। मगर क्यों? कहा ना नहीं जाना है, हमारा अपना प्लान। ये क्या लटकाए घूम रहे? ये हमारा गोल्ड मेडल है, हम क्लास में फर्स्ट आए हैं। गोल्ड मेडल मिलने से ना कुछ नहीं होगा, तू हारने वालों में से और हमेशा हारेगा। बेटा सूरज, गोल्ड मेडल पाने वाला हारने वालों में से नहीं होता, बल्कि हारने वालों में से तो वो होता है जो अच्छे महंगे अंग्रेजी बोर्डिंग स्कूल में पढ़कर भी फेल हो जाता है। दिल छोटा ना करो सूरज, वैसे भी विवान जिस स्कूल में पढ़ता है ना वो हमारा ही स्कूल, और वहां हमारे बच्चे अव्वल नहीं आएंगे तो फिर किसके आएंगे? बड़की बुजी, सब विदेशी लोग आ गए और उनके साथ उनकी मेहरारू लोग भी हैं, सब बीबी लोग। क्या सूरजवा, काल चाल? बच्चों तुम लोग जाकर खेलो। सूरज बेटा तुम भी काफी थक गए हो, जाओ जाकर फ्रेश हो। लाखन, गिरजा, लवली, जाकर भैया जी से बोलो कि मेहमान आ गए। जी। हम जाकर उन्हें रिसीव करते हैं। गिरजा जाकर देखो कि लंच की क्या तैयारी, और लाखन आप जाकर देखिए कि हवेली के पीछे क्या तैयारी चल। मनोहर भैया आज कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कुछ नहीं होगा। हम अभव गए और अभव गए। और सुन, कहीं जाना मत। Thank you.
वेलकम वेलकम, आइए 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 आइए। यह है खन्ना जी की धर्मपत्नी विद्या। नमस्ते। आप रवि छाबरा और आप कविता छाबरा और यह मेरी धर्मपत्नी। नमस्ते भाभी जी। बहुत अच्छा किया जो आप लोग आ गई, नहीं तो ये मर्द लोग ना बिजनेस की बातें करते हैं और हम सब बोर हो जाते हैं। अब हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। भाभी जी बिजनेस की बातें सिर्फ मर्द ही नहीं किया करते। अब आप मेरी वाइफ विद्या को ही ले लीजिए, आपके इस कारोबार में इन्वेस्टमेंट का आइडिया सिर्फ विद्या का। भाई यही फाइनल करती है कि कहाँ इन्वेस्ट किया जाए और कहाँ नहीं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक्चुअली बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ होना चाहिए, ये मेरा विश्वास है। और मैं चाहती हूँ कि हम लोग जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगाए उसमें सबको उनका हक मिले। अब उसमें काम करने वाला इंसान छोटा हो या बड़ा हो, कर्मचारी हो या मजदूर हो, किसी का हक नहीं बनना चाहिए। जी बिल्कुल विद्या बिल्कुल ठीक कह रही है। तो क्या है ना भाभी जी विद्या संस्था भी चलाती है। एक्चुअली आजकल के बच्चों में टैलेंट बहुत है लेकिन उनको प्रूफ करने का मौका नहीं मिलता, बस हम उन्हीं की मदद करते हैं। अरे वाह, आपके और मेरे विचार इस मामले में बहुत मिलते हैं। हमें भी बच्चों से बहुत प्यार है। हम सच कहें तो हमारी फैक्ट्री या हमारे किसी भी बिजनेस में ना हम किसी मजदूर का हक नहीं मारते। अरे वो भी हमारे बराबरी के हैं, हम भी उन्हें अपने जैसा ही समझते हैं। इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए विद्या जी। हाँ अगर चिंता करनी है तो सिर्फ इस बात की कीजिए कि हमारे इस गर्मा गर्म बातचीत में खाना ठंडा हो रहा है। आइए आइए प्लीज प्लीज दिस साइड दीदी। का है वो गोल गोल का है? धीरे बोल, पूरी है। पूरी? पूरी का होते है दीदी, हम तो कबो ना खाई। खाई थी ना कहीं पर उस मंदिर के वहाँ पूछ मा। दीदी हमको तो कुछ भी याद नहीं। तो अंदर देखना बंद कर, हम अभी आए अपना आशीर्वाद लेकर। का सुगंध है दीदी, तो आशीर्वाद के संग एक तो पूरे लाइए है का? वो तो सचमुच पगला गई है। तू तो चुप कर और वहाँ देख, हम अभी आते हैं। सहगल साहब, ये है मनोहर हमारे छोटे भाई, ये है मिस्टर सहगल, मिस्टर खन्ना, मिस्टर छाबरा और उनकी रिस्पेक्टिव वाइफ। बैठिए बैठिए। और एक जोक सुन, एक बार एक बिजनेसमैन ने अपनी बीवी को हीरो का हार गिफ्ट दिया लेकिन उसकी बीवी ने उससे 3 महीने बात नहीं की। क्यों? अरे भाई यही तो शर्त थी।
काम अच्छे से हो रहा है ना, मेहमानों के पीछे खड़े रहना और ये बात का ध्यान रखना कि प्लेट खाली ना रहना चाहिए। चलो थालियां लेकर चलो। अरे रुक, पहले पूरियों की थाली लेकर जाओ। अरे अरे जल्दी करो, तू यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? चल तू भी मदद करूंगा, जल्दी करो लेकर आओ जल्दी। हवेली की चीज रही होगी, वहीं जाता है। आपका मुर्गा लेके क्या हुआ हमारे मुर्गे को? मुर्गा भाग गया। क्या हमारा मुर्गा भाग गया? कवार गई के। जलत है तो काम काज करने की कोनो जरूरत है का? अरे चकोरिया कैरी बेच बेच के तुम सभन का पेट तो भरत है ना? अरे नहीं, अब चकोर कैरी वैरी नहीं बेचेगी, बस घर में रहेगी। कस्तूरी! अरे कस्तूरी! गजब हुई गवारे, गजब हुई गवा। का बात है किशोर भैया, क्या हुआ? इमली इमली हमके हवेली के बाहर मिली रही। हम पूछे यहाँ का कर तू, तो वो बोली कि चकोरिया हवेली के अंदर गई है। हमरी चकोरिया? हाँ हाँ साची कहत है, चकोरिया हवेली के अंदर गई है। आप अगर हमारे सिल्क की चमक को देखेंगे तो अपने हीरो की चमक भूल जाएंगे। सच में भैया जी जरा धीरे बोलिए आप, अगर ये बात फैल गई ना तो मेरा तो हीरो का कारोबार ठप हो जाएगा। अच्छा भैया जी, हमें यहाँ की कुछ बुनियादी सुविधाओं के बारे में बताइए। आप आ तो जाइए, सारी सुविधाएं उपलब्ध की जाएंगी। अच्छा यहाँ पर मजदूर तो आसानी से मिल जाते हैं? आसानी से मतलब? अरे मजदूर तो हमारे हमारे इशारे पर आ जाएंगे। वो क्या है ना विद्या जी, हमने मजदूरों के लिए बहुत सारी सुख सुविधाओं का इंतजाम कर रखा है, उनके लिए अस्पताल स्कूल सब खोल रखे हैं, तो वो तो आ ही जाएंगे ना। अरे आप लोग कुछ खाइए ना, ये घास फूस क्यों खा रहे हैं? अरे आप ये चिकन खाइए। नहीं नहीं, वो एक्चुअली मैंने नॉनवेज काफी टाइम पहले छोड़ दिया। पर भाई सब तो खाते हैं। अरे आप कहाँ गलत इलाके में पहुँच गए भाभी जी, लाइए मुर्गा मुझे दीजिए। अरे
मनोज गिरजा को बोला। ए गिरजा यहाँ। जी भैया जी। क्या बदतमीजी? भैया जी वो लड़की मेरा मुर्गा, अरे मेरा मुर्गा! विवान, क्या बदतमीजी? खाना साहब, सैगल साहब, जो कुछ हुआ उसके लिए तहे दिल से क्षमा चाह रहा हूँ। Really, this is very, very embarrassing. भाभी जी, I'm extremely sorry. बच्ची का हाथ पकड़ता है क्या? छोड़िए उसे। गिरजा, हाँ छोड़ो बच्ची को। बेटा आपका नाम क्या है और आप यहाँ कैसे आ गई? हम यहाँ धागा लिए के वास्ते हैं, क्योंकि ये हमारा आशीर्वाद है ना। ईमा गलती मुर्गे की है, पूरी गलती मुर्गे की नहीं है, थोड़ी गलती हमने की है। वो कहा है ना, हमारे बापू बीमार रहे और वो हमारी छोटी बहन एमिली ने सवेरे से कच्चू नहीं खाया, तो हम सोचे कि एक दो पूरी मांग ले, तो बहुत भूख लगी है ना। बेटा तुम क्या बोल रही हो, समझ में नहीं आ रहा। हाँ बेटा थोड़ा साफ साफ बोलो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या बोलना चाहती हो? हम कभी यहाँ नहीं आते। मैं बोली रही वो हवेली वाली पक्की सड़क पे ना जाइयो। पर हम क्या करते, डाक बाबा का आशीर्वाद भी ना हमें कलैया से खुल के यहाँ आ गया, तो फिर हम कभी आए के पड़ा। अरे डाक बाबा का आशीर्वाद क्या है? वो कहा है ना, हमारे गांव में एक बहुत बड़ा पेड़ है, हम सब वहाँ जाके प्रार्थना करते हैं और जाके धागा बांधते हैं। हमने माई तो इतना धागा बांध दिया कि कौन है हिसाब नहीं। उनकी मजदूरी समय पे मिल जाए उनका वास्ते, बापू की तबीयत ठीक हो जाए उनका वास्ते, दादी अंधी हुई रही उनके आँख के वास्ते, और एक धागा बांधते हैं कि हम सबन गांव वाले को दर रोज खाना मिल जाए। हम किसी मजदूर का हक नहीं मारते, अरे वो भी हमारे ही लोग हैं, हम भी उन्हें अपने जैसा ही समझते हैं।